जरूरी था लड़ना? अब तुम मत शुरू हो जाओ। क्यों ना शुरू हो, लड़े आप और गली मोहल्ले की पढ़ाइनों के ताने सुने हम। अरे शंकराचार्य हैं क्या आप? खुद चैन से जियो और दूसरों को चैन से जीने दो। खाने दो अगर कोई मांस मच्छी खाता है तो, मोहल्ले के ठाकुर नहीं खाते क्या? पांडे जी घर पे हैं। कोई गुमशुदा है? जी। लड़की है? जी भाग गई है एक लड़के के साथ। क्या नाम है लड़की का? जी गंगा। 10 दिनों के भीतर लड़की वापस आ जाएगी। रोज संकट मोचन का दर्शन करें। जी दक्षिणा कितनी पांडे जी? जैसे जजमान की शक्ति। लो जजमान दे गया है। सिर क्या मुंह खोल के मांग नहीं सकते थे क्या? क्या होता है आज के जमाने में 11 रुपए में? भोसड़ी का दक्षिणा दे गया है कि दान रिश्वत दे गया है क्या? सावित्री सावित्री बहुत लोभ पाप करवाता है। हाँ मैं लोभी पापी मूर्ख और न जाने क्या क्या हूँ। आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। बनारस इज सिटी ऑफ योगा एंड भोगा, सिटी ऑफ साइंस ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ लविंग। योगाचार्य एंड भोगाचार्य, तांत्रिकाचार्य, मौनी बाबा, 1 मिनट बाबा, स्लेट बाबा, रिडल बाबा एंड मेनी टाइप्स का बाबा। कैन आई मीट अ बाबा? ओह श्योर। स्लेट बाबा, बाबा कैथरीन, अमेरिकन, इंडिया को बहुत लाइक करती। आज का इंडिया क्या है जानना के। सीधे सीधे कुछ नहीं लिख सकते थे। इंडिया इज इन कोमा, इंडिया इज इन मेमोरी लॉस। अपनी जड़ों से कटा हुआ। अच्छा, इंडिया इज कट ऑफ फ्रॉम इट्स रूट्स। इंडिया इज आत्मविस्मृत। हाउ डज ही सी इंडिया अ डेकेड फ्रॉम नाउ? आज से 10 साल के बाद का इंडिया कैसा होगा बाबा? बाजार, मार्केट, फ्री मार्केट, ओपन मार्केट, व्हाट मार्केट? मुफ्त बाजार, खुला बाजार, कैसा बाजार बाबा? नारंगी, सेब, बेर, ऑरेंज, एप्पल, बेरीज, सेल फोन्स, लैपटॉप, कंप्यूटर्स। सोचेगा कम बोलेगा ज्यादा इंडिया। इंडिया विल थिंक लेस स्पीक मोर। इंडिया कट ऑफ फ्रॉम इट्स रूट्स विल स्पीक मोर एंड थिंक लेस विथ ऑरेंज एप्पल्स एंड बेरीज। एक बात कहें, पंचांग पत्री के सहारे कब तक जीवन कटेगा? हमारे पिता पर लोक सिधारते समय यही पतरा पोथी और घाट की छतरी हमें थमा गए थे। अब हम करें तो क्या करें? पाठशाला के बाद विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ाइए। कहाँ है संस्कृत पढ़ने वाले जिनका कोई भविष्य नहीं, आगे नाथ ना पीछे पगा। ऐसे चार चार दीनहीन ब्राह्मण बालकों को घेर घेर कर हम संस्कृत पढ़ा रहे हैं। मारवाड़ियों के दान और दया पर चल रही है हमारी पार्ट टाइम पाठशाला। 80 पर कितने विदेशी संस्कृत पढ़ने आ रहे हैं? कौन संस्कृत पढ़ रहा है? सब सारे चरस गांजा और बनारस में रुकने का बहाना ढूंढ रहे हैं। 80 यूनिवर्सिटी है क्या? और कौन संस्कृत पढ़ा रहा है? सब पैसे कमा रहे हैं, सब कोठरियों को किराए पर उठाने का चक्कर है। ये तो हम हल्ला किए हुए हैं इसलिए ब्राह्मणों का मोहल्ला बचा हुआ है, वरना 80 के हर घर में पांडे गुरु होते और अंग्रेज चेला चली। तो सड़ने दीजिए बच्चों को पालिका की पाठशाला में। किसने कहा तुमसे कि पालिका की पाठशाला में प्रतिभा नहीं होती? बड़े बड़े विद्वान और नेता पालिका की पाठशाला में पढ़े हैं। आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। अरे काहे की है और काहे की खटखट, साथ तो जाना नहीं कुछ। जरा बाहर देखो,
मरे जा रहे हैं 2400 घंटे, सारा कुछ जुटाए जा रहे हैं, फिर भी चेहरे पे खुशी नहीं। ये नहीं है तो वो नहीं है, इसे साड़ी तो उसे फ्रॉक, इसे फीस तो उसे टिफिन, इसे टॉनिक तो उसे दवा। कुछ करो तब भी, ना करो तब भी ये दुनिया चल रही है और चलती रहेगी। शोभावामरत्यस्य यदन्तकैतत्। सर्वे इंद्रियाणां जरयन्ति तेजः। नचिकेता ने यम से कहा, हे यमराज, ये भोग कल रहेंगे या नहीं इसका भरोसा नहीं। भोग मनुष्य को कमजोर करते हैं, इसलिए ये घोड़े, ये नाच, ये गान तुम अपने पास ही रहने दो। कहाँ मर रहे थे आज भी लेट? गुरुदेव, एक जगह तिरई की पूड़ी खाने गए थे। देखो, एक बात जान लो, रोज रोज ना मुंडन होगा, ना चटावर, ना तीज, ना तेरही, इसलिए अपने पर भरोसा रखो। थोड़ा संस्कृत पर लिख लोगे तो आत्मज्ञान पा सकोगे, वरना एक पाव आटा, दो आलू, 5.25 रुपए के सीधे के लिए जजमान को ढूंढते रहना, ना साले रोज रोज ग्रह नक्षत्र खराब होंगे, ना रोज रोज जजमान आएंगे। नचिकेता से ही कुछ सीख लो यमराज। घोड़ा, हाथी, सोना, सुंदर सुंदर स्त्रियां दे रहा है, पर वो कहता है कि मुझे ज्ञान दो। कहता है ना वितेन तरपनियो मनुष्य, मनुष्य के धन की प्यास कभी नहीं बुझती, और एक तुम हो कि तेरही के भोज और दक्षिणा के लिए मरे जा रहे हो। जो This is your first picnic to Banaras? No, actually second. Oh, yep. Finding peace here, moksha. No, actually finding a place here. American Devi घाट पर रहना चाहती है। तो ये कौन मुश्किल काम है गुरु? बहुत सलीक है। इतना आसान होता तो हम ही नहीं कर लिए होते। जरा पता करो, कोई बामन ठाकुर घुमियार अपनी कोठरी उठाना चाहता है क्या? मिशन में तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा। हर्षी भदैनी में कोई ऐसी गली है क्या जहाँ कूड़ा, कुत्ते और किराएदार ना हो? पंचांग और किराएदार ही तो पंडों का सहारा है, पर जब तक चूतड़ ना हिलाओगे यहाँ बैठे बैठे कैसे पता करोगे? किराएदारों की कौन कमी है यहाँ? मारे मारे फिर रहे गली गली, और किराया बस इतना कि समझो मुफ्त में। और महीना हुआ नहीं कि किचकिच शुरू, बिजली का बिल हो तो किचकिच, पानी ना मिले तो किचकिच, खाली करने को कहो तो किचकिच। और ऐसे में अगर किराएदार होशियार हुआ तो गई कोठरिया हाथ से, फिर लड़ते रहिए सारी जिंदगी मुकदमा। पर हम स्वदेशी नहीं विदेशी किराएदार के लिए पूछ रहे हैं। विदेशी? पर पूरी बावन है, बनारस पर काम कर रही है, उठानी है तो बताए। पागल भयो क्या, हम किसी विधर्मी को कोठरी कैसे दे दे? कोठरी तो है हमारे पास, पर उठाएं कैसे? तुम धर्मनाथ पड़वा को नहीं जानते का? कानी उंगली पर आश उठाए घूमते हैं, कोई अंग्रेज घर में घुसा नहीं बलवा कर देंगे एकदम। संस्कृति के रक्षकों को बुला लेंगे, फिर कोई धरना देके बैठ जाएगा, कोई गले में पत्थर बांध के गंगा जी में डूबने की धमकी देगा। हाँ तो आप पांडे जी से आशीर्वाद ले लीजिए, मांगने पर भोलेनाथ क्या क्या नहीं देते, पांडे जी आशीर्वाद नहीं देंगे क्या? अरे वो बड़ा हरामी है साला। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे प्रवशन्ति मृगाः, सोए हुए शेर के मुंह में हिरन नहीं घुसता, उसे शिकार करना पड़ता है उपाध्याय जी, प्रयत्न करने से ही कार्य सिद्ध होता है। क्यों रहने दे हम विदेशियों को 80 पर? अब देखिए, क्योंकि 80 की हर गली सीधे घाट पर, और घाट पर हर मकान की खिड़की सीधी गंगा की ओर खुलती है। घर से बाहर कदम रखो तो गंगा, खिड़की से झांको तो गंगा, यही विदेशियों की आंख की पुतली है। और आप उन्हें ये सुख इसलिए देंगे क्योंकि वे आपको किराया देंगे पर डे के हिसाब से। पाणे जी, 80 पर वे संस्कृत और हिंदी भी तो पढ़ रहे हैं ना? जानता हूँ वे क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ें और जाएं। पर 80 के मल्लाह, खटीक और दूसरी जातियां तो उन्हें अपने घरों में रख रही हैं। रखें, उनकी मर्जी। उपाध्याय जी, आप भी जानते हैं जब से ये विदेशी यहाँ आए हैं घाटों पर क्या हो रहा है,
और आप चाहते हैं कि जो घाटों पर होटलों में लॉजों में हो रहा है वही अब 80 के ब्राह्मणों के घरों में भी हो। अरे तो हम कौन सा नशेड़ी गंजेड़ियों को उठा के कोठरी दे रहे हैं। कल तक जो बिना गंगा स्नान किए आपके आंगन में घुसने नहीं पाते थे वे आज बिना नहाए धोए आपके सामने बैठे पड़ रहे हैं। कल आपके चूल्हा चौकी में घुसेंगे, आपके बेटे बेटियों से मेल जोल बढ़ाएंगे, आंख मटक्का करेंगे, उन्हें घाट पर घुमाएंगे, ना जाने कहां कहां की सैर करवाएंगे, आपको छूतिया बनाएंगे, तब आप क्या करेंगे। 3 महीने में हिंदी और 6 महीने में संस्कृत, तब तो हिंदी और संस्कृत को अंतरराष्ट्रीय भाषा होना चाहिए था। लोग कहते हैं कि 80 पर हम बलवा मचाए रहते हैं, भोसड़ी के धर्म भ्रष्ट करो तुम और चुप रहे हम। खबरदार जो किसी अंग्रेज अंग्रेजन को किराएदार रखा। पाला के पांडे जी, बाबा भोलेनाथ से अपने भक्तों का दुख देखा नहीं जा रहा है, देखिए कैसे विदेशी जजमान भेज रहे हैं चकाचक। काम की बात करो। एक जजमान शरण चाहती है। पिछली बार कितने दिन जेल की हवा काट कर आए थे? जेल? अब वो तो पुलिस हमें गलत फहमी में उठा लेगी थी। चरस गांजे के साथ कौन पकड़ा गया था? एक अबला अंग्रेजन थी महाराज। जो चरस गांजा हम अपने हाथ में न लेते तो एक अबला थी जेल चली जाती। सो हम लोगों ने हाथ बढ़ा दिया नारी रक्षा के लिए। अब किसका कल्याण करना? एक अमेरिकन देवी है। किसका शिकार है? अपने कन्नी गुरु का। अरे गुरु होगा तुम्हारे लिए भोसड़ी के, जो किसी अंग्रेज को 80 की राह भी दिखाई तो टांगे तोड़वा दूंगा। 80 में रहना कि नहीं, भाग यहां से। मना कर दिया था हमने हरामी को, पर नवुआ का साहस तो देखिए, वर्णशंकर है साला। साबुन भी नहीं लगाता ससुरा, पानी लगाकर दाढ़ी बनाता है खुद ही, ना खुद कमाएगा और ना कमाने देगा। अबे बनकर अपना पांडे पुराण, अब जो कुछ करना हम ही करना है। पालकी गुरु, क्या बात है पांडे जी, आज आप आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं? क्यों, मल्लाओं खटिकों के साथ विश्व कल्याण का धंधा बंद कर दिया है क्या? अब हमारी भी मजबूरी समझिए पांडे जी, अब अमेरिकन देवी 80 पर नहीं रहेगी तो बनारस को क्या समझेगी? एक बात कान खोल कर सुन लो तुमने, गंगा हमारे लिए रिवर नहीं मैया है। हम घाट को पिकनिक स्पॉट और गंगा को स्विमिंग पूल नहीं होने देंगे। अमेरिकन देवी को बनारस में जहाँ रहना है रहे, 80 के किसी ब्राह्मण घर में वो नहीं रहने पाएंगी। पालकी, का कन्नी क्या पिछड़ा रहे थे? कहेंगे वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन किसी विदेशी को अपने गली मोहल्ले में पैर धरने नहीं देंगे। अब भला सोचिए, अतिथि दुनिया के कोने कोने से यहाँ आ रहे हैं, हॉलैंड से, फ्रांस से, जर्मनी, जापान से। किसी को तबला सीखना है, किसी को पखावा सीखना है, किसी को सितार सीखना है, तो किसी को ध्रुपद, कोई संस्कृत सीखना चाहता है, कोई हिंदी सीखना चाहता है। अब ये सभी आएंगे तो कहीं ना कहीं रहेंगे ना आए, अब इनकी मदद के लिए आगे ना आए तो लूट लिए सब साले पंडे मल्ला रिक्शा वाले गाइड होटल वाले सभी। और जब हम मदद करते हैं तो ये चूतिए हमें कहते हैं कि हम विश्व कल्याण का धंधा कर रहे हैं। प्राणी प्राणी में भेद करेंगे लेकिन कहेंगे कि प्राणियों में सद्भावना। कन्नी गुरु, आपने मुलुक मुलुक के अंग्रेज अंग्रेज इनका नाम लिया, पर ये अमेरिका और इंग्लैंड को छोड़ दिया। अरे नाम मतलब भोसड़ी वाले का, वो तो बड़े हरामी है। जब भी यहाँ आते क्लार्क्स दी ताज दी पेरिस में रुकते हैं, 2-4 दिन गाड़ी में घूमते हैं, हवाई अड्डे से साले लौट जाते हैं, सब दिल्ली से अपना फिटपाट करके आते हैं भोसड़ी। वो क्या जाने बना। और जो अंग्रेज अंग्रेजिन घाट पर गंजी कुर्ता लुंगी में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, फुटपाथ पर चाय पी रहे हैं, वे कौन हैं? मनी और मशीन से उकताए हुए भागे हुए लोग जो बेकारी भत्ते के $1,000 के मनी ऑर्डर का इंतजार करते हैं, वे मनी और मशीन से भागे हुए लोग हैं। देखिए तुमने 80 घाट पर घूमने वाले अंग्रेजनों की उम्र 30-35, इंडियन कल्चर, इंडियन म्यूजिक, इंडियन डांस, इंडियन देवी देवता, तंत्र मंत्र, साधना, योग, सब इनके शौक भी हैं और मजबूरी भी।
80 पर रहने वालों के लिए $100 कम नहीं होते महीने के। जैसे चाहे रह लो, जहां चाहो खा लो, जहां चाहो सो जाओ। $1,000 का मतलब यहां पर अमीर, पर उनके यहां क्या इतने में सम्मान के साथ जीना मुमकिन है वहां? लेकिन यहां उनकी सेवा हो रही है, सम्मान हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि वे आपको पैसा दे रहे हैं, डॉलर दे रहे हैं। 80 पर रहने वाले अंग्रेज अपने घर, समाज, देश का उसी तरह कचरा हैं, जिस तरह हमारे समाज में गरीब। ए गया गुरु, जान ले लो, जहान ले लो, धर्म ले लो, ईमान ले लो, दुकान ले लो, मकान ले लो, पर चाटो मत। हमने तो पहले ही कहा था, जहां हर घर में शिव जी का मंदिर है वहां अंग्रेज को कौन घुसने देगा। पर आप कह रहे थे कि बावनों का ही कल्याण हो। अबे तुम्हारी कोठरी है क्या कूड़ा? और विदेशियों के आने से मलाई कौन काट रहा है? तुम लोग, हम तो चाह रहे हैं कि किसी एक अंग्रेज को बाभन ठाकुर के घर में घुसा दे तो फिर रास्ता आसान। अरे कन्नी गुरु की बात रख लो यार, दे दो एक कोठरी। देंगे, पर रेट हर दिन का लगेगा। क्या? पेइंग गेस्ट मंजूर है तो एक कोठरी खाली कर दे। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, मैसेज ऑफ वेदास, रख दे। अटैच टॉयलेट। हेलो हेलो, इट्स नाइस। हैप्पी? या लो, गिन लो। कमीशन तो ठीक है, कैथरीन को स्टूडेंट वीजा कैसे मिलेगा? वो आप हम पर छोड़ दो गुरु, हिंदी के एक प्रोफेसर की हम दाढ़ी बनाते हैं 3 दिन में एक बार, उसी को हम चांपते हैं। नहीं तो फर्जी शादी करवा देंगे किसी बेरोजगार बनारसी से। राष्ट्रभाषा के विकास में बहुत योगदान दे रहे हो। निज भाषा की उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, हम तो यही सीखे हैं गुरुदेव। जब अंग्रेजन राष्ट्रभाषा को नहीं जानेगी तो भारत को कैसे जानेगी? अब यही होना है, अंग्रेज हिंदी पढ़ेंगे और हिंदुस्तानी अंग्रेजी। 2 साल पढ़ने की तैयारी हो तो उसे यूनिवर्सिटी ले आओ, डिप्लोमा में एडमिशन करवा देंगे, पर उसे हिंदी ही पढ़ने देना, दूसरा कुछ ना पढ़ा देना। नहीं गुरुदेव।